सो हे गाइस, मैं हूँ शॉर्टी के शॉर्ट्स। तो कैसे आप सभी लोग? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, मत बताओ, लेकिन आज मैं तुम लोग को मेरे सबसे घटिया स्कूल दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जब मैं एक्चुअली लिटरली स्कूल से निकल ही गया था। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो ये बात है, जब मैं पढ़ता था क्लास सिक्स में, और क्लास सिक्स में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जिसका असली नाम तो मैं ऑब्वियसली नहीं बता सकता। तो उनके नाम में कुरकुरे, कोका कोला और स्प्राइट से मतलब बताऊंगा, ठीक है। तो कुरकुरे जो था वो एक नंबर का पागल और संकी बच्चा था, सच बता रहा हूँ मैं। इसी एक दिन मैं अपने क्लास में बैठा था, और टिफ़िन ब्रेक होते ही टाइम में मैंने क्या देखा कि कुरकुरे, कोका कोला और स्प्राइट जो है वो तीनों बाथरूम की तरफ पूरे जोर से भागे। मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा अर्जेंटली लगा होगा, बेवकूफ़ी का कोई इलाज ही नहीं। सो बेसिकली मैंने उन लोग को जाते हुए देखा, और मैंने उतना कुछ किया नहीं, ठीक है। मैं रिएक्ट तक नहीं किया, मैं बस अपना टिफ़िन खाने में लगा था। काला साया छा गया, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने क्या देखा कि दो मॉनिटर हमारी क्लास की तरफ भूत के जैसे आए जा रहे थे। लेकिन मैं बिल्कुल रियलैक्स था। वाह, रियलैक्स क्या सही है ना, रियलैक्स। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। तो बेसिकली मैं एकदम रिलैक्स था, क्योंकि मैं ऐसा उल्टा फुल्टा काम कुछ करता नहीं हूँ स्कूल में, इसलिए मुझे उतना टेंशन भी लेने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन फिर मॉनिटर कहती है कि तुम सभी लोगों को, मतलब मेरे क्लास का सेक्शन था ए, तो 6A को बुलाया है प्रिंसिपल मैम के वहाँ। बेसिकली हम लोग थोड़ा शॉक हो गए, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं था। तो हम लोग एकदम रिलैक्स होकर प्रिंसिपल मैम के वहाँ गए, और हमने क्या देखा कि कुरकुरे, कोका कोला और स्प्राइट लिटरली मैम के साइड में खड़े होकर रो रहे। मुझे पता चल गया कि भाई इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीन किया ही किया है। तो मुझसे एकदम भी रहा नहीं गया, और मैंने पीछे देखा तो मैंने क्या देखा कि गार्ड बड़ा सा एक ब्लैक बोर्ड लेके आ रहा है, जिसमें नेम, एज, रोल नंबर और स्कूल लिखा हुआ है। फिर अचानक से एक लड़का खड़ा होता है और मैम को पूछता है कि मैम हम यहाँ पर क्यों आए हैं, जब हमने कुछ किया ही नहीं है। फिर प्रिंसिपल मैम हमें बैक स्टोरी बताती है, एकदम 90s की कहानी जैसी। सो बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि कुरकुरे, कोका कोला और स्प्राइट जो है वो लंच टाइम में टॉयलेट गए थे, लेकिन टॉयलेट करने नहीं गए थे, वो लोग वहाँ पर मस्ती करने गए थे। जी हाँ, वो लोग ने वहाँ पर टॉयलेट का स्विच बोर्ड तोड़ा, ऊपर से उन्होंने पंखा जो होता है, फ़ैन, पता नहीं कौन से स्कूल के अंदर टॉयलेट के अंदर फ़ैन होता है, पता नहीं, मेरे हमारे स्कूल में था। तो टॉयलेट के अंदर जो फ़ैन था, उसका जो ब्लेड है, फ़ैन का जो ब्लेड था, उन तीनों ने वो तक तोड़ दिया। अब भाई उन लोगों ने समझ लिया कि भाई हमने अमंग अस की तरह पूरा साइलेंटली इम्पोस्टर सब कुछ कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और एक लड़के ने उन लोगों का करतूत देख लिया और जाके डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम को बोला कि ये तीनों ने ऐसा ऐसा कांड किया है। अब मैम से रहा नहीं गया, ऑब्वियसली किस मैम से रहा जाएगा, तो पूरे क्लास को बुलवा के हमें इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाने के बाद, मैम जो कहती है ना, उसे सुन के मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते। मैम कहती है कि जिसको जो जो स्कूल में जाना है वो अपना उस स्कूल का नाम हमें बताए, ताकि उस स्कूल में हम तुम लोग का एडमिशन कर पाए। बेसिकली साफ सीधी भाषा में को तो मैम ये कहना चाह रही थी कि बेटा हम तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहे हैं और एक नए स्कूल में डाल रहे हैं। अब भाई अगर तुम लोग सोचेंगे कि मैम थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी, सच बता रहा हूँ मैं। एक बार तो उसने लिटरली एक 10th क्लास का भैया तक का मोबाइल लेके तोड़ दिया था हम लोग के सामने। तो बेसिकली हम लोग को, मतलब हम लोग रियली मान रहे थे कि अब मैम हमें निकाल के ही छोड़ेंगी। फिर 3 घंटे तक ये सिचुएशन चलते रहा, लेकिन बाद में मैम ने सोचा कि इन्हें माफ़ कर देते, और मैम ने हमें जाके फाइनली माफ़ किया, और मैम ने हमें एक और लास्ट वार्निंग दी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरे क्लास 6A को ही बैन कर देंगे, मतलब 6A रहेगा ही नहीं। तो यही था वो लास्ट दिन, और जब हम क्लास में पहुंचे तो हमने उन तीनों को इतना मतलब डांटा, मतलब इतना कुछ उन्हें बोला, इतना सुनाया उन लोग को, वो लोगों को लिटरली बुरा लगने लगा, और उन्होंने कहा हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे।
सो बेसिकली यही था स्टोरी डैट हाउ आई ऑलमोस्ट गॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम माय स्कूल। अगर तुम लोग को ये स्टोरी टाइम पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा स्टोरी के शॉर्ट्स को, एंड अगर तुम्हें और स्टोरी टाइम चाहिए तो कमेंट में बताना, मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज है मैं सुनाऊंगा। तो मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नई स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।